नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भारी बरसात में भी डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेज बारिश में वो बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बसंत कुमार के साथ गांव गांव जाकर डोर टू डोर प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी की सभी गारंटियां लोगों को बताई। साथ ही उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी के पर्चे बांटते हुए सभी 11 गारंटियों से रूबरू करवाया। हालांकि तेज बारिश में एक और जहां अन्य दल अपने दफ्तरों और घरों में बैठे थे, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बारिश की परवाह किए बगैर लगातार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर तूफानी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया बागेश्वर विधानसभा के कोसानी क्षेत्र पहुंचे, जहां रास्ते में भारी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उनका डोर टू डोर अभियान बर्फबारी में भी जारी रहा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बर्फबारी होने के बावजूद भी हमारा कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बागेश्वर में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद लगातार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। वहीं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग एक अच्छी राजनीति को यहाँ देखना चाहते हैं। जिस प्रकार का काम दिल्ली में हुआ है, उसी प्रकार का बदलाव उत्तराखंड के लोग चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने दोनों विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दल यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को कठिन बताते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कर्नल कोठियाल बर्फबारी में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार गाँव गाँव घूम कर डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे निश्चित है कि 10 मार्च का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि मोहनिया सभी 70 विधानसभाओं के घर घर जाकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।